हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक टुगेदर। आज कंप्यूटर सीरीज के पहले एपिसोड में मैं आपसे बात करने वाला हूं कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है, कितने तरीके के होते हैं और भी बहुत कुछ। ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों को कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और अगर आपको लगता है कि आपको कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ पता है तो आप ये वीडियो देखते रहिए, शायद आपको कुछ नया मिल जाए। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बता देता हूं कि हमारे देश में जो कंप्यूटर का सिलेबस है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर कंपिटेटिव एग्जाम्स हो, बहुत ही आउटडेटेड हो चुका है। इसीलिए मैं इस पूरे सीरीज में किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में बात नहीं करने वाला जो आपके किसी काम के ना आए। सो ना ही मैं कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ, ना ही कंप्यूटर के इन्वेंटर के बारे में। दोस्तों, आप बात करते कंप्यूटर है क्या। हम में से सभी को पता है कि कंप्यूटर एक मशीन है जो अलग अलग जगह पर बहुत सारे कामों के लिए जाना जाता है। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको कंप्यूटर का फुल फॉर्म पता है, तो आप में से कुछ लोग कहेंगे हाँ, कुछ लोग कहेंगे ना, और कुछ लोग कहेंगे पता था भूल गया। आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता, क्योंकि कंप्यूटर कोई एब्रिविएशन नहीं है। कंप्यूटर एक प्रॉपर इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब है जो कंप्यूट करता है। तो फिर क्या बुक में जो पढ़ा था क्या वो गलत है। दोस्तों, अगर आप अलग अलग 5 कंप्यूटर के बुक्स लेंगे तो उसमें से 3 में आपको कोई फुल फॉर्म नहीं मिलेगा, और जिन दो में मिलेगा वो एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे। इसका मेन रीजन यही है कि कुछ ऑथर्स ने बहुत ही सोच समझ के कंप्यूटर का डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए उसका एक फुल फॉर्म बनाया है, जो काफी हद तक सही भी है, लेकिन उसे हम फुल फॉर्म नहीं कह सकते हैं। जिस तरह से कैलकुलेटर का काम होता है कैलकुलेट करना, उसी तरह से कंप्यूटर का काम होता है कंप्यूट करना। अभी कुछ ऑथर्स ऐसे भी हैं जिनमें कोई काम नहीं होता, उन्होंने 4-5 बुक उठा लिया और उसमें से छाप के अपना खुद का कंप्यूटर का बुक लिख दिया और उसमें कुछ नया करने के लिए कंप्यूटर का फुल फॉर्म डाल दिया, जो कि बिल्कुल बकवास है। अब फुल फॉर्म बनाने में क्या जाता है, आप तो व्हाट्सएप में मैसेज देखते ही होंगे कि लोग लाइफ का फुल फॉर्म बनाते हैं, फ्रेंडशिप का फुल फॉर्म बनाते हैं, यहां तक कि मोदी जी का भी फुल फॉर्म बना दिया है। तो बेसिकली मैं फिर से आपको बता देता हूं, कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता, कंप्यूटर किसी भी चीज का शॉर्ट फॉर्म नहीं है। कंप्यूटर का मतलब है वो मशीन जो जिसका काम है कंप्यूट करना। अब कंप्यूट कैसे करते हैं ये मैं आपको अभी बताने वाला हूं। दोस्तों, कंप्यूटर जैसे कि मैंने बताया, कंप्यूटर कोई भी मशीन है तो किसी भी दूसरी मशीन की तरह ही काम करता है। मान लीजिए आपके पास एक वॉशिंग मशीन है, आपको इसमें कपड़े धोने हैं, तो पहले आप डालेंगे कपड़े, फिर आप डालेंगे पानी, फिर आप डालेंगे डिटर्जेंट। अब इन सबको डालने के बाद आप कुछ बटन दबाएंगे, आपका जो कपड़ा था वो आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको पानी भी मिलेगा। अभी फर्क क्या हुआ, इस वॉशिंग मशीन ने यहां पे कुछ प्रोसेस किया हुआ है जिसके वजह से जो कपड़ा था वो पहले था गंदा यानी कि डर्टी, वो कपड़ा हो गया क्लीन, और जो वाटर था क्लीन यानी कि साफ, वो गंदा हो गया यानी कि वो हो गया डर्टी। इस प्रोसेस सेम ही बिल्कुल इसी तरह से कंप्यूटर भी एक प्रोसेस करता है। अगर हम मान लीजिए आपके पास एक कंप्यूटर है, आप उसमें डालते हैं डाटा जो कि है आपका इनपुट, फिर कीबोर्ड या माउस के थ्रू आप उसमें डालते हैं कुछ कमांड्स, फिर आउटपुट में आपको मिलता है फिर से डाटा, पर इसमें और इसमें कुछ फर्क होगा। मान लीजिए आपके पास एक बहुत अच्छा म्यूजिक वीडियो है, तो आपने म्यूजिक वीडियो को कंप्यूटर में डाल दिया और कीबोर्ड और माउस से कमांड डाल के आपने बोल दिया कंप्यूटर को, भैया मुझे इसको कन्वर्ट करके MP3 बना के दो। आपके पास वीडियो था, उसने MP3 बना के दिया आपको, और आपने उसको अपने मोबाइल में रिंगटोन कर लिया। इसी को कहते हैं हम कंप्यूट करना। अभी ये कंप्यूटर मैंने एग्जांपल दिया वीडियो और MP3 के, ये बहुत सारे कामों के लिए यूज होता है, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए भी यूज होता है। इनके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। दोस्तों, आप बात करते हैं कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर किन चीजों से बना हुआ है। किसी भी कंप्यूटर की बात करें तो उसमें मेनली दो ही पार्ट होते हैं। पहला उसका सॉफ्टवेयर और दूसरा है उसका हार्डवेयर।
सॉफ्टवेयर जो है उसका वर्चुअल पार्ट है जिसे हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, और हार्डवेयर उसका फिजिकल पार्ट है जिसे हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपकी बॉडी हार्डवेयर है तो आपकी आत्मा सॉफ्टवेयर है। बिना आपके बॉडी के आत्मा रह नहीं सकती। उसी तरह से किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए एक हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, और बिना आपके आत्मा के आपकी बॉडी डेड बॉडी है। उसी तरह से किसी भी सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर किसी काम का नहीं है। यही दोनों कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स है। इनको छोड़ के एक और चीज आता है जिसे हम कहते हैं पेरिफेरल्स। जी हाँ दोस्तों, पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स बेसिकली वो चीज है जिनसे हम कंप्यूटर से अपना काम करवाते हैं। बेसिकली सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पेरिफेरल्स के अंदर आते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और स्कैनर, प्रिंटर एटसेट्रा। अभी पेरिफेरल्स को अलग इसीलिए रखा है क्योंकि पेरिफेरल्स को अगर काम करते वक्त कंप्यूटर से हम डिस्कनेक्ट करते हैं तो कोई काम में रुकावट नहीं आती, कंप्यूटर अपना काम करता जाएगा। जिस तरह से मान लीजिए आप एक मूवी देख रहे हैं कंप्यूटर पे, अगर आप कीबोर्ड, माउस या मॉनिटर को डिस्कनेक्ट कर दे तो मूवी अपने आप चलती ही जाती है, रुकती नहीं है। पर उस मूवी को देखने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए, पॉज करने के लिए आपको कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर इन सब की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इनको कहा जाता है पेरिफेरल्स, जो कि हार्डवेयर से बिल्कुल अलग है। अभी इन तीनों को छोड़ के एक और चीज है जिसे हम कहते हैं एक्सेसरीज। जी हाँ दोस्तों, एक्सेसरीज। अब एक्सेसरीज वो चीजें हैं जो कंप्यूटर ऑपरेशंस के लिए भी नहीं है और कंप्यूटर को काम करवाने के लिए भी नहीं है, पर फिर भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं अपने काम को और मजेदार बनाने के लिए। जैसे मान लेते हैं माउस पैड या फिर यूपीएस। बिना यूपीएस के कंप्यूटर काम कर सकता है, पर हम उसका यूज करते हैं कंप्यूटर सेफ्टी के लिए, तो वो आता है एक्सेसरीज में। अभी इन सब चीजों को अगर मैं एक एग्जांपल में बता दूं तो मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है जिसमें इंजन है, टायर्स है, हेडलैम्प है, सब कुछ है, पर उसे चलाने के लिए आपको एक ड्राइवर की जरूरत पड़ती है जो कि है आपका सॉफ्टवेयर, और गाड़ी को कंट्रोल में रखने के लिए आपको गियर, स्टीयरिंग, ब्रेक, एक्सलेटर इन सब की जरूरत पड़ती है जो कि है आपके पेरिफेरल्स यानी कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। और गाड़ी को गाड़ी के मेन फंक्शन के साथ जिनका कोई कनेक्शन नहीं है, जैसे कि मान लीजिए एक्सेसरीज कहते हैं सीट कवर, एलईडी लाइट्स, कार स्टिकर्स, सारे एक्सेसरीज में आते हैं क्योंकि गाड़ी के मेन फंक्शन के साथ इनका कोई रिश्ता नहीं है। गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए भी इनको जरूरत नहीं पड़ती। ये बिल्कुल ही अलग चीज है एक्सेसरीज। तो इन सबको मैं आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों आप बात करते हैं कंप्यूटर कितने तरीके के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम साइज की बात करते हैं, चाहे पिज्जा हो या टी शर्ट साइज, तो हमारे पास चार ही आते हैं। पहला है स्मॉल, उसके बाद आता है मीडियम, उसके बाद आता है लार्ज, और आखिर में आता है एक्स्ट्रा लार्ज। उसी तरह से कंप्यूटर के भी चार ही साइज होते हैं। पहला होता है माइक्रो, उसके बाद होता है मिनी, उसके बाद होता है मेन फ्रेम, और आखिर में आता है सुपर कंप्यूटर। अभी आप सोच रहे होंगे माइक्रो मतलब मोबाइल, मिनी मतलब लैपटॉप, और मेन फ्रेम मतलब डेस्कटॉप। सोचना लाजमी है क्योंकि साइज तो बड़ा हो रहा है। पर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मोबाइल से लेकर डेस्कटॉप तक सारे के सारे मिनी कंप्यूटर ही हैं, और इन तीनों के बारे में मैं कोई भी बात नहीं करने वाला इन सीरीज में, क्योंकि 99.9% लोगों ने इनको कभी देखा ही नहीं होगा। चलिए मैं एग्जांपल दे देता हूँ आप कहाँ पे यूज होता है मिनी कंप्यूटर। बेसिकली वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे छोटे मोटे डेटाबेस मेंटेन किए जाते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स और शॉपिंग मॉल्स। मेन फ्रेम बेसिकली जहाँ पे बहुत सारे फाइनेंशियल कैलकुलेशंस किए जाते हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, रेलवे रिजर्वेशंस, और साथ ही साथ हमारे स्टॉक एक्सचेंज में मेन फ्रेम्स को यूज किया जाता है। और सुपर कंप्यूटर बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च के लिए, स्पेस रिसर्च के लिए यूज किया जाता है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके घर में जो डेस्कटॉप या लैपटॉप है वो एक सुपर कंप्यूटर है, तो आप कहेंगे नहीं, वो तो माइक्रो कंप्यूटर है। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके घर में आज जो सुपर माइक्रो कंप्यूटर है, असल में वो 1980s का ही सुपर कंप्यूटर है। जी हाँ दोस्तों,
इसके स्पेसिफिकेशन और इसके स्पेसिफिकेशन बिल्कुल ही मैच करते हैं। तो अगली बार अगर आप कोई आपसे पूछे कि क्या आपने कभी सुपर कंप्यूटर देखा है, जी हाँ देखा है, कहाँ पे है, मेरे घर में है, आपके घर में सुपर कंप्यूटर है, जी हाँ है सुपर कंप्यूटर है, पुराना वाला है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।